हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज एकादशी है, देवसैनी एकादशी है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सभी को देवसैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि देवसैनी एकादशी पढ़ने पर भगवान श्री हरि शयन में चले जाते हैं, वो सो जाते हैं। तो आज हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे देवसैनी एकादशी के बारे में। जितना मुझे नॉलेज है तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो देवसैनी एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है फ्रेंड्स। इन दिनों भगवान क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं, तो अपना सारा कारभार जो होता है भगवान भोलेनाथ को सौंप देते हैं, क्योंकि सावन का महीना भी शुरू हो जाता है और सावन में भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। तो सभी कार्यभार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। और आज से ये जो आज 21 जुलाई है, दिन मंगलवार है, तो आज के दिन से सभी जो भी शुभ कार्य होते हैं सभी बंद हो जाएंगे। कोई भी शादी, ब्याह, मुंडन, गोद भराई जैसी कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। ये अषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है फ्रेंड्स। तो अषाढ़ शुक्ल पक्ष के से जो है कुछ दिनों के बाद सावन शुरू हो जाएंगे और सभी लोग भगवान भोलेनाथ की आराधना में लग जाएंगे, उनको मनाने में लग जाएंगे, उनका पूजा पाठ करना स्टार्ट हो जाएगा। और सावन के महीने में या आज से 4 महीने तक की भगवान शयन करेंगे क्षीर सागर में, तो 4 महीनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। उसके अलावा आप लोग अपने खाने पर भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय सूर्य की ऊर्जा भी कम रहती है। तो थोड़ा खान पान का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें ज्यादा गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना होगा। पत्तेदार सब्जियों का सेवन हमें बिल्कुल बंद कर देना होगा, क्योंकि धूप नहीं आएगी तो हमारी जो पत्तेदार सब्जियां होंगी बारिश की वजह से उनमें बैक्टीरिया भी बैठ सकती है। तो इसलिए पत्तेदार सब्जियों का सेवन बिल्कुल ना करें। उड़द की दाल ना खाएं, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ा सा गैस बनाती है। तो उड़द की दाल का सेवन इधर 4 महीनों के लिए थोड़ा कम कर दें। दूध दही का सेवन भी कम कर दें, क्योंकि दूध दही भी गरिष्ठ होता है तो पचाने में दिक्कत आती है। तो इसलिए जो है गरिष्ठ भोजन भी ना करें। आज एकादशी थी तो इसीलिए आज मैंने येलो कलर की साड़ी भी पहन रखी है फ्रेंड्स। तो सावन के महीने से लेकर के देवसैनी एकादशी जब से स्टार्ट होती है 4 महीने तक सभी को चाहिए कि वो अपना सात्विक जीवन जिए, सात्विक भोजन करें और भगवान का पूजन करें। भगवान की पूजा में पीले फूलों का इस्तेमाल करें, फल फ्रूट चढ़ाएं, पीले रंग के ही चढ़ाएं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवसैनी एकादशी पर एक छोटी सी कथा है जो हम आपको सुनाएंगे, तो आप सभी लोग हमारी कथा को भी सुनिए और जानिए इस देवसैनी एकादशी के महत्व के बारे में, कि इस देवसैनी एकादशी का क्या महत्व है। तो हम आपको कथा सुना रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे केशव, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको किस नाम से जाना जाता है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो आप मुझे इस कथा के बारे में बताइए, इससे क्या लाभ होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, ब्रह्मा जी ने जो कथा नारद जी को सुनाई थी आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं, युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने यही कथा नारद जी को सुनाई थी। तो वो कहते हैं कि सतयुग में एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था मंधाता। उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ गया, बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई, पूरी प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। सभी लोग परेशान हो गए कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। सभी लोग जब परेशान हुए तो राजा ने देखा कि हमारी प्रजा बहुत परेशान है, तो वह अपनी प्रजा का दुख बर्दाश्त नहीं कर सके और अपनी सेना को लेकर वो जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की ओर जा रहे थे तो उन्हें चलते चलते ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा के आश्रम में पहुंच गए और जाकर अंगिरा जी से सभी बातें बताई कि पता नहीं क्या बात है, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से मेरे राज्य में बारिश नहीं हो रही है, मेरा पूरा राज्य त्राहि त्राहि कर रहा है, मेरी सारी प्रजा परेशान है। हे गुरुवर, आप मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे कि हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाए और हमारी प्रजा के प्राण जो संकट में आए हैं वो बच सके। तो
अंगिरा ने कहा कि ये सतयुग है और अगर यहाँ पर आपने छोटा सा भी पाप कर दिया है तो उसकी आपको बहुत बड़ी सजा मिलती है। तो भूलवश हो सकता है आपसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो। ऋषि अंगिरा ने अपने तपोबल से देख लिया कि राजा के राज्य में एक शूद्र भगवान श्री हरि की आराधना कर रहा है, जिसकी वजह से उनके यहाँ उनके राज्य में अकाल आ गया है। तो ये देखकर अंगिरा ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है जिसकी वजह से ये तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा है, क्योंकि सतयुग में ब्राह्मण के सिवा किसी और को इसका अधिकार नहीं है कि वो तपस्या करे। ऋषि अंगिरा ने राजन से कहा कि जब तक वह शूद्र जीवित रहेगा तब तक तुम्हारे राज्य में इसी तरह से अकाल पड़ा रहेगा। तो राजा ने कहा कि मैं उस निर्दोष के प्राण नहीं ले सकता, तो वो जब तक जीवित रहेगा तो क्या तब तक मुझे इसी समस्या का सामना करना पड़ेगा? तो ऋषि, अगर कोई दूसरा उपाय हो तो मुझे बताइए गुरुवर। तो ऋषि अंगिरा ने कहा कि ठीक है, एक दूसरा उपाय भी है जो कि तुम्हें करना होगा। आप आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करिए, पूजा पाठ करिए, जिससे कि भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे और आपके यहाँ बारिश होने शुरू हो जाएगी। तो ये देखकर राजा ने उनसे पूरी विधि पूछी और अंगिरा ने राजा को देवशयनी एकादशी की सारी विधि बताई, पूरी पूजा की विधि बताई। तो राजा अपने नगर को वापस आए और उन्होंने विधिवत देवशयनी एकादशी पर व्रत रखा और श्री हरि जी का पूजन किया, जिसके कारण उनके नगर में वर्षा हुई और उनके नगर की जो भुखमरी थी, जो गरीबी आई थी, जो अकाल पड़ा था, वो सब दूर हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। देवशयनी व्रत करने से सभी दुखों का नाश होता है, मनोकामना पूरी होती है। तो इसलिए सभी को देवशयनी एकादशी को मानना चाहिए, उनके जो नियम है उसे करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दूसरे दिन दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य में आप चावल का दान न दीजिए, घी दान करिए और भी जो भी मुद्राएं होती हैं वो दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, सभी चीजों का दान किया जाता है। थोड़ा सा सावधानी हमें जरूर रखनी होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा इधर उधर आना जाना भी कम करना चाहिए। अगर दूर का सफर करते हैं, लंबे सफर पे जाते हैं, तो आप लंबे सफर पे मत जाइए, क्योंकि बारिश होती है और रोडें गीली रहती हैं। तो इसलिए ज्यादा लंबा सफर भी नहीं करना चाहिए। बारिश के दिनों में सतर्क रहें थोड़ा, क्योंकि फोड़े फुंसी और मच्छर जीव जंतु भी उत्पन्न होते हैं। तो थोड़ा बचाव करें, अपने आप को घर में रखें, सेफ रखें, ज्यादा इधर उधर घूमे भी नहीं, क्योंकि इन दिनों बैक्टीरिया बहुत ज्यादा फैलता है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है फ्रेंड्स। तो भगवान श्री हरि का सुमिरन करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।